देवास के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मल्हार कॉलोनी ऑडी पट्टी का मामला। भगवान सिंह नामक युवक उसी की पत्नी छाया व प्रेमी लखन उसके तीन अन्य साथियों ने मिलकर मौत की घाट उतार दिया। मौत की घाट उतारने के बाद औद्योगिक थाने पर गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट लिखाई व साक्ष्य छुपाने के लिए लाश को पेट्रोल से जलाया। आरोपियों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया था। साथ ही भगवान सिंह के खाते में रखे 2 लाख व मकान के लालच में उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरे घटनाक्रम का देवास SP शिवदयाल सिंह ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। फिलहाल पत्नी और प्रेमी के साथ मिलकर तीन अन्य युवकों द्वारा हत्या करने पर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवास से चंचल भारतीय की रिपोर्ट। देखिए, IA थाना पुलिस ने एक हत्या के मामले का पर्दाफाश किया है। इसमें छाया नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी लखन के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और थाने पर जाके 12 तारीख को 12 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उसी सिलसिले में गुमशुदगी की जांच के दौरान जी पुलिस को समझ में आया है कि ये झूठ बोल रही है, फिर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में छाया से आरोपी महिला से सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और डेड बॉडी के जो पार्ट्स थे उनको बरामद किया है और आज उनको कोर्ट में पेश किया। किस तरह की रिवॉर्ड टीम को दिया जाएगा? 10,000 रुपये के रिवॉर्ड की घोषणा उसमें की गई है और जो टीम ने अच्छा काम किया उसको 10,000। सर, ये वेपन भी क्या है जब्त किया गया और कुछ वाहन? घटना में शामिल वाहन, घटना में शामिल वेपन और सारी संबंधित वस्तुएँ जब्त की गई हैं। हत्या का कारण क्या आया सर निकल के? प्रारंभिक तौर पर एक तो जो 2 लाख रुपए मृतक के अकाउंट में जमा थे वो पैसे और जो अफेयर उसका चल रहा था उसको लेकर उसने